दुर्ग में स्थित ठाकुर देव मंदिर समिति द्वारा दुर्ग विधायक गजेंद्र यादव का अभिनंदन समारोह का आयोजन किया गया। इस मौके पर महिला, बुजुर्गों एवं बच्चों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। दुर्ग विधायक गजेंद्र यादव का दुर्ग के कायस्थ वार्ड स्थित श्री ठाकुर देव मंदिर समिति द्वारा सम्मान और स्वागत किया गया। इस मौके पर वार्ड के नागरिकों के साथ साथ महिलाओं, बुजुर्गों और बच्चों ने भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। इस दौरान समिति के कार्यकर्ताओं ने कहा कि इससे पहले भी गजेंद्र यादव ने उनकी समिति के लिए काफी काम किए हैं। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित दुर्ग शहर विधायक गजेंद्र यादव ने लोगों का प्यार देखकर कहा कि शहर की जनता ने उन पर भरोसा किया है। इस भरोसे पर वो पूरी तरह खरा उतरेंगे और साथ ही कहा कि कांग्रेस के रुके हुए कार्यों को हम अंजाम देंगे। भारतीय जनता पार्टी के विधायक गजेंद्र यादव ने शहरवासियों से कहा कि विधायक फंड से मिली पहली किस्त में पूरे दुर्ग शहर में 1 करोड़ रुपए की लागत से पूरे शिवालय, शिव मंदिरों का नवीनीकरण किया जाएगा। जनता के इसने जनता प्रेम है, चुनाव समय है तो ये इसने आशीर्वाद दी से आवाज भी और जो जनता चाह रही थी उसके हिसाब से परिणाम है। सुकर दिल इच्छा पूरा हुई सो मन है स्वागत करना चाह रही थी उसके लिए वो सब लग कोटी से प्रणाम करता हूँ, नमन करता हूँ और जिन उम्मीद के साथ वो आशीर्वाद दे है मैं प्रयास करूँ और उम्मीद से बढ़ चढ़ कर मैं काम कर रहा हूँ और जनता जो चाहते है ओकर से बढ़ चढ़कर मैं काम कर रहा हूँ। कितना प्यार आप लोग पूरे प्रदेश में जब इतना सर्वाधिक वोट जीते में हमारा नाम है तो स्वाभाविक जब प्यार करते जनता तब प्रत्येक वोट दे है तो ये ओकर आशीर्वाद है। कितना खड़ा उतरी उतर हुआ जनता के विश्वास में? जनता जब का सोचे है मैं आज का विश्वास दिलाता हूँ ईश्वर की कृपा रही तो जो सोचे है ओकर से ज्यादा हम काम करके दिखाबो। का विकास हमन पूरा शहर के एक रोड मैप निकाले हैं, पूरा शहर के अलग अलग अप्रोच रोड निकाले काम करते हैं जिनमें ट्रैफिक की व्यवस्था दूर हो। तरिया मन के सौंदर्यीकरण के हम प्लान करे हैं, जो तालाब हमारे बहुत दूर के पुराना तालाब मनला हम बढ़िया सौंदर्यीकरण करबो, सड़क नया बनाते हैं और हमारे चंडी मंदिर और आसपास के एरिया में बहुत सौंदर्यीकरण करके हमन एक डेवलप नया निर्माण करने वाला हैं। साथ ही साथ जो हमारे ओवर ब्रिज से पुराना ओवर ब्रिज हमारे नए ओवर ब्रिज के वो सेतु निर्माण वाले में एस्टिमेट बना थे, कल कलेक्टर एसपी दोनों बुला रहे हैं और उसका तैयारी प्रारंभ हो गए हैं। जो धमधा नाका ओवर ब्रिज है वो एक नया बनाते हैं और उखर अलावा अलग अलग क्षेत्र में स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी हम बहुत सारों में नया मशीन लगवाई हैं ताकि यहाँ के जो भाई बहनी मन अस्पताल जाते हैं तो सब प्रकार के सुविधा मिले ऐसे कल प्लान करे हैं ना। वो पूरा शहर के विकास के एक माप हम तैयार कर रहे हैं। लगते कि कांग्रेस सरकार में बहुत सारे काम छोड़ दिए? कांग्रेस तो कुछ करे नहीं है, सिर्फ लोगन मतलब खोखला घोषणा भर करी से हम घोषणा नहीं करें सिर्फ काम कर दिखा वो स्वावर्धन। तो पहले जैसे कि भैया के बड़े भाई आ चुके थे पहले और भैया भी आ चुके हैं तो ठाकुर देव बाबा जी का कृपा है, भगवान भोलेनाथ कुबेश्वर महादेव का कृपा है, मोहल्ले वासियों का सहयोग है इसमें तो भैया का आगमन हुआ तो जोरदार स्वागत है। और भैया का आश्वासन मिला है जैसे कि भैया अभी बताए कि धार्मिक स्थल में काम करना है शासन से निधि से आएगा तो भैया जी ठाकुर देव मंदिर को भी जीर्णोद्धार के लिए पूर्ण सहयोग करेंगे ये बात बोले। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट।